हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गन में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे की गर्भनाल की साफ़ सफाई किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जाने कि गर्भनाल क्या होती है। गर्भनाल माँ और बच्चे को जोड़े रखती है माँ के गर्भ में। जो भी पोषण है बच्चा अपनी माँ की नाल से लेता है, सब कुछ उसको उसकी माँ की नाल से मिलता है। लेकिन जन्म के पश्चात कुछ समय बाद इसको काट दिया जाता है। काटने के बाद, जैसे कि आप इमेजेस में देख रही हैं, इस पर क्लैंप लगा दिया जाता है और इसी क्लैंप के अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिससे कि वो तकरीबन 10 से 15 दिनों में, या किसी किसी बच्चे की 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर जो गर्भनाल है अपने आप हट जाती है। पहले के ज़माने में धागा बांध दिया जाता था, क्लैंप नहीं होते थे और उस पर दाई माँ बताती थी, जो भी वो बताती थी, वो जो घर में बड़ी बुज़ुर्ग औरतें थी वो लगा करके तेल हल्दी वगैरह उससे उसको ठीक किया जाता था। बट आजकल ऐसा नहीं है और क्लैंप में ही सॉल्यूशन होता है जिससे कि गर्भनाल को सूखने में आसानी होती है और सूख करके वो अपने आप तकरीबन सभी बच्चों की 20 दिन के अंदर अंदर हट जाती है। किसी की पहले भी हट जाती है 10 दिन में भी, और 20 दिन के अंदर अंदर तो सभी की हट जाती है। अब बात करते हैं आपको नहलाते समय और डायपर पहनाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना है। जब आप बच्चे को नहला रहे हैं, नहलाते समय वहाँ पर अगर हल्का फुल्का पानी लग भी जाए तो आपको साफ़ कॉटन लेके उस एरिया को अच्छे से साफ़ करके सुखा देना है। और वहाँ पर आपको कोई तेल, कोई पाउडर, कुछ भी नहीं लगाना। जो क्लैंप होता है, क्लैंप के अंदर सॉल्यूशन है, वही उसको जल्दी से ठीक कर देगा। दूसरा, जब भी आप नैपी पहनाती हैं, नैपी पहनाते समय जो नैपी का ऊपर का बॉर्डर होता है उसको नीचे ही रखें, क्लैंप को भी टच ना हो पाए, क्योंकि क्लैंप अगर हिल गया तो वहाँ पे आपके बच्चे को खून आ सकता है। हिल जाएगा तो खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पस पड़ सकती है। मॉइस्चर वहाँ पर बिल्कुल भी ना रहने दें, गीलापन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, पस पड़ सकती है, जिससे कि उसको ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा और बच्चे को असहनीय दर्द होगा और वो बता भी नहीं सकता क्योंकि छोटा है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की जो गर्भनाल है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।